नमस्कार। आज हम लोग जिस शोध परियोजना पर नमस्कार, तकनीकी कारणों से थोड़ा विलंब हुआ। आज हम लोग जिस शोध परियोजना पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है पद्मिनी विषयक ऐतिहासिक कथा काव्य की देशज परंपरा का विवेचनात्मक अध्ययन। पद्मिनी विषयक ऐतिहासिक कथा काव्य की देशज परंपरा का विवेचनात्मक अध्ययन। मुझे बहुत खुशी है कि राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान प्रोफेसर माधव हाड़ा हमारे संस्थान में इस शोध परियोजना पर काम करने के लिए आए हैं और इस तरह का काम उनका रहा है कि जब भी आप मीरा पर या इस तरह के किसी राजस्थान से संबंधित इन इस तरह के इतिहास और साहित्य के बारे में बात करते हैं तो जो पहला नाम हम लोगों के पास आता है वो प्रोफेसर माधव हाड़ा का आता है। इस अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर परांजपे ने जो एक दो बातें कही थी मैं उसको संक्षेप में दोहराना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे मित्र उस वक्त उपस्थित नहीं थे। उन्होंने इस विषय पर के महत्व पर विचार करते हुए कहा कि पद्मिनी के बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं है या अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि लोक परंपरा में पद्मिनी विषयक जो ग्रंथ थे या जो लोक मिठारणाएं थी या लोक में जो कहानियां प्रचलित थी उसके साथ जायसी का क्या संपर्क है। अधिकतर लोग ये मानते थे कि जायसी ने ही पद्मिनी को अपने मन से लिख दिया। कम से कम इतिहासकारों में एक बड़ा वर्ग जो था ये मानता था कि ये इमेजिनेशन का मामला अधिक है और इसका इतिहास से कोई खास संबंध नहीं है। इसलिए इस काम का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इसमें इतिहास साहित्य और लोक की तीन सरणियां आपस में मिलती हैं और कई ऐसे विवादित प्रश्न हैं जिन विवादित प्रश्नों की तरफ इस शोध परियोजना का ध्यान जाता है और हम लोगों को अपने बहुत सारे डाउट्स दूर करने का मौका मिलता है क्योंकि पद्मिनी एक विवादित विषय है। इतिहास ही नहीं वर्तमान तक इसकी गूंज सुनाई पड़ती है और लोग ये मानते हैं कि ये प्रश्न बहुत सारे अन्य प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रोफेसर माधव हाड़ा को कि अपने जो इस इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन में वो बताएं कि वो यहाँ क्या करना चाहते हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस प्रेजेंटेशन के दौरान अध्यक्षता करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। प्रोफेसर माधव हाड़ा। सम्माननीय निदेशक जी, फेलो मित्रों और हमारे मित्र प्रोफेसर हितेंद्र जी पटेल, जिस विषय पर ये शोध परियोजना एकाग्र है, जिस प्रकरण पर एकाग्र है उससे आप सभी परिचित हैं और उस संबंध में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो इतिहासकारों का नजरिया है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश मैं करूँगा। इस प्रारूप में अपनी बात कहूँ उससे पहले एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले कि ये विचार मेरे मन में किस तरह उत्पन्न हुआ। दरअसल 2017 में जब फिल्म पर विवाद चल रहा था तब देश के बड़े इतिहासकार, बड़े बुद्धिजीवी सब कोई अपनी बात कह रहे थे। मुझे बराबर महसूस हुआ कि लगभग 15वीं शताब्दी से लगाकर 19वीं शताब्दी तक हमारे पूर्वज निरंतर इस विषय में कुछ कहते रहे हैं। विडंबना यह थी कि हमारे उन पूर्वजों के कहे को कोई भी उद्धृत नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि जो उन्होंने कहा
वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत जरूरी था, और इस विषय को अधिक व्यापक स्वरूप में प्रस्तुत करने में उन हमारे पूर्वजों के कहे का बहुत महत्व। हमारे पूर्वज कह ही नहीं रहे थे, अलग अलग ढंग से कह रहे थे, एक बात। दूसरी बात, ये एक ऐतिहासिक कथा काव्य है, इसलिए ये सुनिश्चित आप मन में रखें कि इतिहास इस परियोजना, इतिहास की पड़ताल इस परियोजना का लक्ष्य नहीं है, लेकिन साहित्य में इतिहास के व्यवहार के ढंग की पड़ताल इस परियोजना का लक्ष्य है। बहरहाल, मैं इस प्रारूप में इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। प्रस्तुत शोध कार्य मध्यकालीन साहित्य और इतिहास के बहुचर्चित और विवादित पद्मिनी रत्नसेन प्रकरण पर निर्भर देशज ऐतिहासिक कथा काव्यों का अध्ययन है। कतिपय उपनिवेश कालीन और उनके उत्साही अनुगामी आधुनिक भारतीय इतिहासकारों के संदेह के बावजूद पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खलजी का चित्तौड़गढ़ अभियान लोक विश्वास और साहित्य आदि में लगभग मान्य सत्य की तरह रहा है। महाराणा प्रताप के मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की तरह ही पद्मिनी के अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर को भी पुनर्जागरण काल और बाद में राष्ट्र निर्माण की आरंभिक सजगता के दौर में आदर्श की तरह प्रस्तुत किया गया। पद्मिनी के जौहर पर प्रचुर मात्रा में रोमांटिक और राष्ट्रवादी साहित्य लिखा गया। उसके चरित्र को युवा और बालक विद्यार्थियों में आदर्श की तरह प्रस्तुत करने के लिए साहित्य और चित्र कथाओं की रचना हुई। चित्तौड़ और उदयपुर दोनों विश्व पर्यटन मानचित्र पर हैं, इसलिए इन दोनों के स्वर्णिम अतीत को विदेशी पर्यटकों के लिए जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, उसमें भी पद्मिनी विषयक प्रकरण भी बहुत प्रमुखता से एक असाधारण घटना की तरह वर्णित है। ऐसी कई पुस्तकें चित्तौड़ और उदयपुर सहित राजस्थान में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। फिल्म पद्मावत पर हुए विवाद से पहले तक यह प्रकरण प्रमुखता से राजस्थान सहित केंद्र और एकाधिक राज्यों की इतिहास और साहित्य की पाठ्य पुस्तकों में भी सम्मिलित था। विवाद के बाद कुछ पाठ्यक्रमों से इसको हटा दिया गया, जबकि कुछ में इसे राजपूत समाज की मंशा के अनुसार बदल दिया गया। यह भी कि सदियों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कुछ इमारतें और स्थान पद्मिनी से संबंधित विख्यात हैं। दुर्ग में तालाब के किनारे बना हुआ एक विशालकाय महल भी पद्मिनी महल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह एक छोटा 2 मंजिला महल तालाब के अंदर भी है, जिसे भी पद्मिनी महल कहते हैं। एक विशालकाय अनगढ़ पत्थरों का गड्ढा भी है, जो जोहर कुंड के नाम से विख्यात है। पर्यटकों को यही जानकारियां दी भी जाती। विख्यात इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी इन भवनों का नामोल्लेख इसी रूप में किया है। फिल्म पर हुए विवाद से ये प्रकरण एकाएक पहले से अधिक चर्चा में आ गया, और देखते ही देखते इस प्रकरण पर आधारित एकाधिक कथेतर और कथा रचनाएं प्रकाशित हो गई। ये सभी रचनाएं कुछ हद तक फौरी तौर पर इतिहास में भी जाती है, लेकिन ये सभी सदियों पुराने इस मान्य सत्य पर निर्भर हैं कि पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पद्मिनी ने जौहर किया। आधुनिक भारतीय इतिहासकारों का नजरिया शुरू से ही इस प्रकरण पर उपनिवेशकालीन इतिहासकारों के अतिरिक्त उत्साही अनुगामी इतिहासकारों की तरह था। इनमें से कुछ तो इस सीमा तक उत्साही थे कि वे उनके बहुत अस्पष्ट और अपुष्ट संकेतों को भी पुष्ट और विस्तृत करने में ऐसे जुटे कि सच्चाई उनसे बहुत पीछे छूट गई और देशज ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत और उनमें नियोजित कतिपय ऐतिहासिक तथ्य उनसे अनदेखे रह गए। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड 1829 के समय शोध के लिए संसाधन सीमित थे। उन्होंने उपलब्ध सीमित जानकारियों, साहित्य और जनश्रुतियों को मिलाकर प्रकरण का जो वृत्तांत गढ़ा, वो इतिहास, साहित्य और लोक स्मृति का मिला जुला लेकिन आधा अधूरा रूप था। टोड के बाद प्रकरण का हवाला द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पहली बार वी ए स्मिथ 1921 ने दिया।
उन्होंने अपनी तरफ से इस प्रकरण की खोजबीन नहीं की, न ही वे इसकी तफसील में गए। उन्होंने केवल ये लिखा कि ये टोड के पन्नों में है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मिथ्या, मनगढ़ंत या झूठ है। उन्होंने केवल ये लिखा कि ये सोबर हिस्ट्री नहीं है। कुछ हद तक उनकी बात सही भी थी। साहित्य और लोक में व्यवहृत इतिहास सही मायने में पूरी तरह इतिहास नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना तो तय है कि उसमें कुछ इतिहास भी होता है। वीए स्मिथ की यह टिप्पणी इतिहास के यूरोपीय संस्कार वाले आधुनिक भारतीय इतिहासकारों के लिए आदर्श और मार्गदर्शक सिद्ध हुई। आरंभ में गौरीशंकर ओझा और किशोरी शरण लाल ने इस प्रकरण की ऐतिहासिकता पर संदेह किया। बाद में कलिका रंजन कानून गोतो अति उत्साह में इस प्रकरण को सर्वथा मिथ्या और गलत सिद्ध करने में प्राणपण से जुट गए। तर्क उन्होंने दो दिए। एक तो समकालीन इस्लामी स्रोतों में इस प्रकरण का उल्लेख नहीं मिलता और दूसरा कुछ वंश अभिलेखों में रत्न सिंह का नाम ही नहीं है। कुछ हद तक उनकी दोनों बातें सही थी, लेकिन वे इसके कारणों में नहीं गए। उन्होंने हड़बड़ी में यह निष्कर्ष निकाल लिया कि यह प्रकरण जायसी द्वारा कल्पित है और इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरसी मजूमदार के हवाले से यह कहने में भी देर नहीं की कि जायसी का चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ नहीं है, ये कहीं इलाहाबाद के समीप स्थित चित्रकूट है। उनकी देखा देखी इस प्रकरण को मिथ्या सिद्ध करने वालों की भीड़ लग गई। आरंभ और बाद में फिल्म पर हुए विवाद के दौरान हरबंश मुखिया, इरफान हबीब आदि भी इस मुहिम में शामिल हो गए। उनकी राय में यह प्रकरण मलिक मोहम्मद जायसी 1540 द्वारा कल्पित इसलिए अनैतिहासिक है। ये अधिकांश इसकी पुष्टि इस तर्क से करते हैं कि समकालीन इस्लामी स्रोतों खजाइन उल फतू, तारीख फिरोज शाही और फतू असलातीन में इसका उल्लेख नहीं है। जायसी ने इसकी कल्पना की। यहीं से ये परवर्ती अरबी फारसी स्रोतों आईने अकबरी, तारीख फरिश्ता, जफरुल वाले, बे मुजफ्फर वाले और देशज चारण और जैन का कथा काव्यों में पहुंचा। इस मुहिम में शामिल ये लोग इस तथ्य की अनदेखी ही कर गए कि चुप्पी से बहसियाना तार्किक रूप से भ्रामक होता है और केवल चुप्पी के आधार पर की गई कोई भी परिकल्पना किसी दिन गलत भी साबित हो सकती है। यही हुआ। बाद में ये धारणा गलत सिद्ध हो गई। पद्मावत से पहले छिताई चरित्र में पद्मिनी रत्नसेन की कथा बीजक मिल गया। इसी तरह पद्मावत को बिना पढ़े समझे उसके कथानक को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से जोड़ने का कानूनगो का उद्यम भी असफल हो गया। दरअसल पद्मावत में अलाउद्दीन के अभियान में मार्गस्थ कस्बों मांडलगढ़ आदि और चित्तौड़ के दुर्ग और समीपस्थ स्थानों के भूगोल का वर्णन मिलता है, जो ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि पद्मावत में वर्णित चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ ही है। बाद में मुनि जिनविजय, दशरथ शर्मा आदि क्षेत्रीय इतिहासकारों ने रत्न सिंह की प्रामाणिकता भी सिद्ध कर दी। उससे संबंधित एकाधिक पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल गए। यही नहीं, कतिपय समकालीन स्रोतों के आधार पर अगरचंद नाटा ने राघव चेतन की ऐतिहासिकता भी प्रमाणित कर दी। कलिका रंजन कानून गो की स्थापनाओं में से अधिकांश प्रमाण सहित बहुत पहले ही गलत साबित हो गई, लेकिन ये साबित करने वाले इतिहासकारों की सीमा यह थी कि ये क्षेत्रीय कहे माने जाते थे। खास बात यह थी कि इनकी मौजूदगी अपने अनुशासन में वर्चस्वकारी नहीं थी, इसलिए इनकी आवाज नगाड़ों के शोर में तूती की तरह दब गई और लोग उन्हीं पुरानी गलत धारणाओं को दोहराते रहे। देश भाषाओं में इस प्रकरण पर ऐतिहासिक कथा काव्यों की दीर्घकालीन और समृद्ध परंपरा है। पद्मिनी विषयक कथा बीजक जायसी की पद्मावत की रचना से बहुत पूर्व गुजरात सहित लगभग पूरे उत्तर भारत के जनसाधारण की लोक स्मृति में था और यहाँ इसको अपने ढंग से पल्लवित और विस्तृत करके मौखिक और लिखित काव्य होते रहते थे। संभावना तो यही अधिक है कि खुद जायसी ने भी इसी कथा बीजक को आधार बनाकर पद्मावत की रचना की होगी। ये वो रचनाएं हैं जो इस शोध कार्य में शामिल है।
अज्ञात कवि कृत गोरा बादल कवित, इसकी रचना 1588 से पूर्व हुई। इसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलता, कहीं भी कोई टिप्पणी नहीं है और पुष्पिका भी नहीं। हेमरतन कृत गोरा बादल पद्मणि चौपाई 1588, और ये जायसी के 50 वर्ष बाद लिखी गई। अज्ञात कवि कृत पद्मिनी समियो 1616 ईस्वी में लिखा गया। जटमल नाहर कृत गोरा बादल कथा 1623 ईस्वी में लिखा गया। दयाल दास कृत राणा रासो 1668-1680 के बीच कभी लिखा गया। लब्धोदय कृत पद्मिनी चरित्र चौपाई 1680 में लिखा गया। दलपति विजय कृत हुमान खास रासो 1673 से 1713 के बीच में कभी लिखा गया। और अज्ञात रचनाकार कृत चित्तौड़ उदयपुर पाठनामा, ये कब लिखा गया ज्ञात नहीं है, लेकिन इसकी प्रतिलिपि जो उपलब्ध है वो 1870 की है। इस परंपरा की अब तक उपलब्ध रचनाएं हैं। अपनी प्रकृति और चरित्र में ये रचनाएं कुछ हद तक अलग है, ये सभी एक ही कथा बीजक पर आधारित है, लेकिन इनका पाठ किसी एक ही अर्थ तक सीमित या ठहरा हुआ नहीं है। इसके रचनाकार इसको भिन्न अर्थ और मोड़ पड़ाव में पल्लवित करने के लिए स्वतंत्र थे। सभी रचनाएं कुछ मोटी कथा बीजक संबंधी समानताओं के बावजूद एक दूसरे से अलग है। इनके अधिकांश और उनमें से खास तौर पर जैन रचनाकार रचना में प्रवृत्त होने से पहले इस परंपरा की पूर्ववर्ती रचनाओं का स्मरण जरूर करते। जैसे इनमें से एक हेमरतन ने कहा है कि सुनाऊ तिसऊ भाष्यऊ संबंधी, अर्थात जैसे मैंने सुना वैसा ही संबंध कहा है। यथावश्यकता ये रचनाकार अपनी रचना परंपरा में किसी भी रचना की कोई प्रसिद्ध सूक्ति या कथन बिना उसका ऋण व्यक्त किए अपनी रचना में उद्धृत करते चलते। हेमरतन ने अपने पूर्ववर्ती किसी अज्ञात कवि को और लब्धोदय और दलपति विजय ने अपने पूर्ववर्ती हेमरतन को अपनी रचनाओं में उद्धृत किया है। पाठनामा में भी कई अज्ञात कवियों के छंद उद्धृत किए गए हैं। अपने समय और समाज की जरूरतों के अनुसार इनमें कभी सतीत्व, कभी स्वामी धर्म, तो कभी शौर्य और पराक्रम जैसे मूल्यों को प्राथमिकता और महत्व दिया गया है। किसी एक ही प्रकरण पर इतने लंबे समय तक इस तरह अलग अलग रचनाओं की निरंतरता के ऐसे उदाहरण भारतीय साहित्य में बहुत कम है। ये रचनाएं किसी नगर महानगर की जगह छोटे गांव कस्बों में हुई, ये चारण और जैन काव्य और देश भाषाओं में है, जिसका जौहर ग्रियर्सन की आज प्रचलित भाषाओं उपभाषाओं संज्ञाओं में नामकरण बहुत मुश्किल काम है। शोध समस्या। 15वीं से 19वीं सदी तक विस्तृत पद्मिनी विषयक ऐतिहासिक कथा काव्य की ये देशज परंपरा दीर्घकालीन बहुत विविध और समृद्ध है। विडंबना यह है कि इतिहास और साहित्य दोनों अनुशासनों ने अभी तक इसको अपने विचार की परिधि में नहीं लिया। ये कथा काव्य भारतीय ऐतिहासिक कथा काव्य की बहुत प्राचीन परंपरा का स्वाभाविक देशज और क्षेत्रीय विकास है। जायसी के पद्मावत से इनका कोई दूर दराज का संबंध नहीं है। ये परंपरा स्वायत्त रूप में जीवंत और निरंतर गतिशील रही, और इन रचनाओं की घटनाओं के मोड़ एक दूसरे से भी अलग थे, जायसी से भी अलग हैं, लेकिन आधुनिक विद्वानों ने इस परंपरा की अलग से पहचान और मूल्यांकन करने की कभी जरूरत नहीं समझी। ये कथा काव्य अपनी प्रकृति और संगठन में साहित्य के साथ कुछ हद तक ऐतिहासिक भी है। इनमें स्मृति के व्यवहार और विन्यास का एक खास देशज ढंग है। इनके कुछ कवि लेखक भी इनको इतिहास कहते मानते थे, लेकिन विडंबना यह है कि आधुनिक संस्कार वाले इतिहासकारों ने इन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। विडंबना यह है कि एक अत्यंत अतिरंजित और अलंकरण प्रधान स्तुति प्रधान काव्य खजाइन उल फतू को सभी आधुनिक भारतीय इतिहासकार बतौर साक्ष्य बल्कि सर्वोपरि साक्ष्य की तरह व्यवहार में लाते रहे, लेकिन उन्होंने इन देशज ऐतिहासिक कथा काव्यों को जायसी से प्रेरित और मनगढ़ंत मानकर पूरी तरह खारिज कर दिया। ये देशज कथा काव्य इतिहास और साहित्य में आवाज आई और इनकी एक दूसरे पर निर्भरता की भारतीय परंपरा का विकास भी थे।
इसलिए इनमें आख्यान का एक सर्वथा नया रूप मिलता है। लेकिन कथा काव्यों के जैन और चारण कवि कथाकारों को इतिहास को कथा काव्य में ढालने का अभ्यास और महारत हासिल था, जो उन्होंने अपने यजमानों की रुचियों और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार विकसित या अर्जित किया था। विडंबना यह है कि मध्यकालीन साहित्य की पहचान और मूल्यांकन के अधिकांश कार्य से इस चारण साहित्य को राज्याश्रयी और जैन साहित्य को सांप्रदायिक की तोहमत लगाकर बाहर कर दिया गया। उपनिवेश काल में जेम्स टोड ने एक जगह खुमान रासों का उल्लेख किया, अन्यथा परवर्ती आधुनिक इतिहासकारों की निगाह में इन कथा काव्यों की हैसियत जायसी से प्रेरित काल्पनिक कथा काव्य कविताओं से अधिक कभी नहीं रही। विडंबना यह है कि आधुनिकता के प्रभाव में क्षेत्रीय इतिहास के मनीषी विद्वान गौरीशंकर ओझा ने भी इनको भाटों की रचनाओं से अधिक महत्व नहीं दिया। जायसी और उनकी पद्मावत पर हिंदी और अंग्रेजी में कई शोध आलोचनाएं हैं, उनमें से एकाधिक में प्रसंगवश इनमें से कुछ रचनाओं की चर्चा भी है, लेकिन केवल इन पर एकाग्र अभी तक कोई शोध कार्य नहीं हुआ है। ये शोध कार्य इन देशज ऐतिहासिक कथा काव्यों की अपनी स्वायत्त परंपरा, विचारधारा, दर्शन, ढांचे और शैली की परख पड़ताल के साथ इनके साहित्यिक महत्व को उजागर करने का प्रयास है। परिकल्पना। पद्मिनी विषयक देशज मूल ऐतिहासिक कथा काव्यों तत्संबंधी देशज ऐतिहासिक स्रोतों, पुरातात्विक साक्ष्यों और संबंधित सहायक इस्लामी और औपनिवेशिक साहित्य पर आरंभिक और सरसरी नजर डालने से हम कुछ बहुत अंतरिम और तात्कालिक निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। यह कि पद्मिनी विषयक ऐतिहासिक कथा काव्यों की बहुत दीर्घकालीन और निरंतर परंपरा है और ये भारतीय ऐतिहासिक कथा काव्य परंपरा का स्वाभाविक और देशज विकास है। यह भी कि अपने समय की विचारधारा और दर्शन के अनुसार ये रचनाएं कुछ पारंपरिक कथा कवि समयों, तयशुदा ढांचों और शैलियों में हुई है। इसी तरह यह भी कि पद्मिनी विषयक कथा बीजक जायसी की पद्मावत की रचना से बहुत पूर्व गुजरात सहित उत्तर भारत के कुछ इलाकों की लोक स्मृति में था और यहाँ इसको अपने ढंग से पल्लवित और विस्तृत करके मौखिक और लिखित कथा काव्य होती रहते थे। और खुद जायसी ने भी लोक में सदियों से प्रचलित इस कथा बीजक को आधार बनाकर पद्मावत की रचना की। इसी तरह पद्मिनी विषयक देशज कथा काव्यों को जायसी के पद्मावत से कोई संबंध नहीं है और इनकी कथा के मोड़ पड़ाव, कथा काव्य रूप और शैली जायसी से अलग और पारंपरिक है। उद्देश्य। प्रस्तुत शोध का विचार अकारण नहीं है। इतिहास और साहित्य की औपनिवेशिक चेतना और संस्कार का ही नतीजा है कि साहित्य की अपनी तरह की इस अलग और खास परंपरा को साहित्य और इतिहास दोनों अनुशासनों ने अपने विचार के दायरे में नहीं लिया। विडंबना यह है कि फिल्म पद्मावत पर जब विवाद हुआ तो आधुनिक भारतीय इतिहासकारों और विद्वानों ने इस्लामी स्रोतों के तो साक्ष्य दिए, लेकिन प्रकृति और चरित्र से लोक में ऐतिहासिक कही समझे जाने वाली इन रचनाओं को बतौर साक्ष्य किसी ने भी उद्धृत नहीं किया। साहित्य में भी इस कथानक पर निर्भर पद्मावत ही चर्चा में रहा। इनमें से कुछ रचनाएं कथा और रचना के लिहाज से अच्छी थी, उनमें भारतीय कथा परंपरा की गतिशीलता के कई रूप दिखाई पड़ते थे, लेकिन क्योंकि ये रचनाएं देश भाषाओं में थी इसलिए इनका मूल्यांकन नहीं हुआ। प्रस्तुत शोध कार्य में इन रचनाओं को एक तरह से पहली बार एक साथ रखकर ऐतिहासिक कथा काव्य की भारतीय परंपरा के अंतर्गत पहचानने समझने का प्रयास किया जाएगा। ये रचनाएं परंपरा का देशज और क्षेत्रीय रूपांतरण भी है, इसलिए यहाँ इनमें क्षेत्रीय सांस्कृतिक और समाजार्थिक जरूरतों से होने वाले रूपांतरणों और जोड़ बाकी की भी पहचान होगी। पद्मिनी विषयक कथा काव्यों में इतिहास के व्यवहार और विन्यास की खास भारतीय पद्धति। भारतीय जनसाधारण इतिहास को किसी ठहरे हुए दस्तावेज की तरह कम इस्तेमाल करता है। इतिहास अक्सर उसकी स्मृति में यात्रा करता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जीवंत और गतिशील भी रहता है। इन रचनाओं के लेखक कवि घटना के मोड़ पड़ाव और चरित्रों में कुछ हद तक संशोधन संवर्धन करने, अपने पूर्ववर्ती का अनुकरण और यथावश्यकता उसको उद्धृत करने के लिए भी स्वतंत्र थे। ये अवश्य है
कि कवि लेखक का प्रयास उस रचना को इधर उधर के बावजूद कथा बीच की आसपास रखने का रहता था। यह भारतीय रचना जनसाधारण के रचना में इतिहास और स्मृति के इस खास व्यवहार को जानने पहचानने का प्रयत्न भी होगा। पद्मिनी प्रकरण से संबंधित कथा काव्यों की खास बात यह है कि भारतीय ऐतिहासिक कथा काव्यों की तरह तत्कालीन विचारधारा और दर्शन के अनुसार प्रयुक्त पारंपरिक कवि कथा समयों, ढांचों और शैलियों में है। भारतीय कथा काव्य प्रबंध, चरित्र, आख्यान आदि रूपों में है और देशज कथा काव्य रूप इनसे विकसित रासो, रास, भास, ख्यात, पाठनामा, चरित, चौपाई, कवित्त आदि रूपों में। ये रूप अपने समय की प्रभावशाली विचारधाराओं और दर्शनों के अनुसार बने हैं। इन कथा काव्यों को समझने के लिए उस समय के दर्शन और विचारधाराओं से बनते बिगड़ते इन रूपों का अध्ययन भी यहाँ अपेक्षित है। प्रकरण की ऐतिहासिकता की पड़ताल शोध का लक्ष्य नहीं है, लेकिन कथा काव्यों में विन्यस्त घटनाओं और व्यक्तियों की ऐतिहासिकता की पड़ताल शोध का एक जरूरी आयाम है। ये रचनाएं हमारे अपने लोगों की सांस्कृतिक भाषा में उनका अपना इतिहास है। औपनिवेशिक संस्कार के कारण हमको जनश्रुतियों, अलंकरणों, जातीय मुहावरों की ये भाषा अटपटी और विचित्र लगती है। हमारे अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों को इसी कारण इन रचनाओं की ऐतिहासिकता को विचार के दायरे में लेना ही दकियानुसी लगता है। यहाँ आग्रह पूर्वक इन रचनाओं में गुंथे बंधे ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनसे संबद्ध घटनाओं की ऐतिहासिकता की पड़ताल होगी। यह भी कि ऐतिहासिक सूत्रों को यहाँ एक दूसरे आधुनिक इतिहास के पारंपरिक साक्ष्यों, शिलालेख आदि से जांचने परखने का उपक्रम भी होगा। पद्मिनी विषय की इन कथा काव्यों का समय 15वीं से 19वीं सदी तक फैला हुआ है। इनमें मध्यकालीन देश भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ये विडंबना है कि मध्यकालीन देश भाषाओं के काव्य सौंदर्य का अभी ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ है। ये भाषाएं अपने समय के काव्य सौंदर्य के मामले में कुछ हद तक इतनी आगे गई थी कि संस्कृत में इनके अनुवाद हुए। इनमें लोक के अलावा जैन और चारण काव्य शैलियों का प्रयोग हुआ, जो उस समय अपने शिखर पर थी। इनमें कुछ कवि उच्च कोटि के प्रतिभा के हैं, जबकि कुछ सामान्य प्रतिभा के हैं। यहाँ इनकी रचनाओं के काव्य सौंदर्य, शिल्प और भाषा का भी मूल्यांकन हो पाएगा। अध्याय योजना। शोध विषय के सभी पक्षों, परंपरा, कथा स्रोत, कथा योजना, इतिहास मित्र, विचारधारा, दर्शन, जीवन मूल्य, कथा काव्य रूप, भाषा शैली आदि के समावेश के लिए निबंध को प्रस्तावना और उपसंहार के अलावा 6 अध्यायों में विभक्त किया गया है और अंत में परिशिष्ट में सभी कथा काव्यों का सार संक्षेप, कथा रूपांतरण देने का भी प्रावधान है। अध्याय योजना इस प्रकार है। प्रस्तावना। पहला अध्याय है भारतीय ऐतिहासिक कथा काव्य परंपरा और उसका देशज रूपांतरण। इसके उपबिंदु है कथा आख्यान में इतिहास के व्यवहार और विन्यास का भारतीय नजरिया। दूसरा उपबिंदु है भारतीय ऐतिहासिक कथा काव्य का स्वरूप, नाराशंसी, गाथा, पुराण, आख्यान, आख्यायिका, प्रबंध, वंश, चरित्र आदि। ऐतिहासिक कथा काव्य की भारतीय परंपरा और भारतीय ऐतिहासिक कथा चरित्र काव्य परंपरा का देशज रूपांतरण, रास, रासो, भास, ख्यात, दवावेद, पाठनामा, बही, चौपाई आदि। दूसरा अध्याय पद्मिनी विषयक ऐतिहासिक कथा काव्य की देशज परंपरा, इसमें रचनाओं का आकलन और मूल्यांकन। तीसरा अध्याय है पद्मिनी विषयक ऐतिहासिक देशज कथा काव्यों का कथा स्रोत और कथा योजना। ये अध्याय 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कथा स्रोत और दूसरा भाग है इसका कथा योजना। उपबंधु में छोड़ रहा हूँ। चौथा अध्याय है पद्मिनी विषयक ऐतिहासिक देशज कथा काव्यों में इतिहास और मिथ। उपबिंदु है इतिहास और मिथ का अंतर संबंध। पद्मिनी दूसरा बिंदु उपबिंदु है पद्मिनी विषयक ऐतिहासिक देशज कथा काव्यों में इतिहास का व्यवहार विन्यास। तीसरा है प्रकरण की ऐतिहासिकता की परख पड़ताल, आख्यानों के प्रमुख चरित्रों की ऐतिहासिकता की परख पड़ताल,
और पांचवा अंतिम बिंदु है ऐतिहासिक देशज कथा काव्यों में इतिहास का मिथकीकरण पद्धति और रूप। पांचवा अध्याय है पद्मिनी विषय के ऐतिहासिक देशज कथा काव्यों में विचारधारा दर्शन और जीवन मूल्य। उप बिंदु है सामंतवादी विचारधारा और तत्संबंधी जीवन मूल्य। दूसरा उपबिंदु है जातीय अस्मिता और तत्संबंधी आदर्श। तीसरा उपबिंदु है स्त्री संबंधी नजरिया और यौनिक शुचिता की धारणा। चौथा उपबिंदु है पराभूत मानसिकता और उसका रचनात्मक औचित्य। पांचवा कर्मफल और नियतिवाद। छठा अध्याय है पद्मिनी विषय के ऐतिहासिक दशा देशज कथा काव्य परंपरा का रूप शिल्प शैली और भाषा। पहला उपबिंदु है प्रयुक्त कथा का काव्य रूप। दूसरा उपबिंदु है प्रयुक्त देश भाषाएं। तीसरा उपबिंदु है प्रयुक्त कथा काव्य काव्य और कथा समय। और चौथा है मौलिक उद्भावनाएं और नवाचार। और पांचवा है जादुई यथार्थवाद। ये अभी जो इसकी आधारभूत और सहायक स्रोत सामग्री है वो मैं आपके सामने नहीं रख रहा, और मुझे लगता है कि वो बहुत लंबा पांडुलिपियों की सूची है, फिर जो प्रकाशित सामग्री है उसकी सूची है, फिर जो शिलालेख है उनकी सूची है, और सहायता के लिए जो इस्लामी स्रोत है और औपनिवेशिक स्रोत है उनकी सूची है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरा साहब, एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्तुति के लिए। और इस प्रस्तुति में कई ऐसे बिंदुओं को आपने रखा है जिसमें जिसके आधार पर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, और न सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं बल्कि हिस्ट्री और इतिहास के बीच के संबंध को भी पुनर्व्याख्यित। मैं हिस्ट्री और इतिहास जानबूझ कर कह रहा हूँ क्योंकि आपने इस तरह के वाक्यों का प्रयोग यहाँ किया है जिसमें कि आपने औपनिवेशिक काल के प्रभाव में जो आधुनिक मानस के जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा पद्मिनी विषयक जो काव्य ग्रंथ रचे गए हैं उनको इतिहास में उस रूप में नहीं रखने की बात की है जिसमें कि हम एक तरह से जो देशज काव्य देशज कथा कथाएं हैं उनको उनको समुचित स्थान नहीं दे पाते हैं। आपने बहुत ही सूत्र रूप में ये कहने की कोशिश की है कि यह जो प्रवृत्ति है इस प्रवृत्ति में इस तरह के काव्यों को इतिहास में स्रोत के रूप में इस्तेमाल नहीं करने दिया है जिनका कि उपयोग दूसरे किसी मामले में किया गया है। मसलन जैसे कुछ और अन्य ग्रंथ हैं जिसका इतिहासकारों ने प्रयोग किया है, लेकिन देशज इस तरह की कथाओं का इतिहास में प्रयोग वर्जित माना गया। आपने विशेष रूप से कानूनगो का जिक्र किया और सोबर हिस्ट्री की बात की, और बाद में आपने इरफान हबीब तक को इसमें शामिल किया। जिस तरह के इतिहासकारों ने इस तरह के चीजों को इतिहास में स्थान नहीं दिया, और आपका प्रस्ताव है कि जब हम इस तरह की रचनाओं को उसके इतिहास को सामने रखते हैं तो पद्मावत का जायसी द्वारा लिखा जाना बीच का एक बिंदु है, उसके पहले लोक में इस तरह की कथाओं की समृद्ध परंपरा है, और उसको आपने देखा है कि इसका संबंध जो है इतिहास में देखा जाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो साइलेंस था उसको आपने माना है कि इतिहासकारों ने ठीक से रीड नहीं किया। वो साइलेंस का मतलब ये नहीं था कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी या ये लोग अनैतिहासिक लोग हैं और सिर्फ इमेजिनेशन से पैदा किए हुए कैरेक्टर्स हैं, और आपने इसके प्रमाण में एक समृद्ध लोक परंपरा जिसमें कई टेक्स्ट भी आते हैं, मुझे नहीं मालूम है कि उन टेक्स्ट को कैसे हमारे सामने कब रखा गया, लेकिन आपने अपने अध्ययन से ये संभावना व्यक्त की है कि इस तरह के टेक्स्ट के आधार पर ये बात कही जा सकती है कि
कि जायसी का पद्मावत लिखा जाना एक ट्रेडिशन में एक बिंदु है और उसके पहले और बाद में जो कुछ लिखा गया उसके आधार पर हम पद्मावत के पूरे कथानक को और पूरे वृत्तांत को सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पना नहीं मान सकते। अतीत के नैरेटिव्स में अतीत की जो छाया मिलती है वो इतिहास में तो सुरक्षित रह जाती है, लोग स्मृति में तो सुरक्षित रह जाती है, लेकिन हिस्ट्री में एडिट आउट कर दी जाती है। आपके इस कथन में मुख्य रूप से जो एक बिंदु निकल कर आया है वह है कि ऐतिहासिकता की पड़ताल शोध का लक्ष्य नहीं है, लेकिन कथा काव्य में विन्यस्त घटनाओं और व्यक्तियों की ऐतिहासिकता की पड़ताल इस शोध का एक जरूरी आयाम है। और मैं मानता हूं कि एक शोध परियोजना के तहत इस तरह का एक प्रस्ताव बहुत ही स्वागत योग्य है और हिंदी के जो लोग हैं वो उनको भी ये स्मरण होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास में इस तरह की कथा परंपराओं का जिक्र किया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो सोबर हिस्टोरियन और कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के प्रभाव में जो इतिहासकार हैं उन्होंने उसको एडिट आउट कर दिया है, लेकिन किसी और ने नोटिस नहीं किया। साहित्य की परंपरा में इन चीजों की स्थान बचा हुआ है और आपका प्रस्ताव है इसकी ऐतिहासिकता के बारे में भी हम लोग एक चर्चा में शामिल हों और जो रिमेम्बर्ड हिस्ट्री है उस रिमेम्बर्ड हिस्ट्री को जिसको आप इतिहास के अंतर्गत लाना चाहेंगे आप रखना चाहते हैं। और शुरुआत में हमारे प्रोफेसर परांजपे ने ये कहा था कि उनका एक प्रस्ताव था कि एक एंथोलॉजी भी हाड़ा साहब बनाए इस काम के साथ साथ, जिसमें वो जो टेक्स्ट हैं उन सबसे भी हमारा परिचय हो सके ताकि ये समझ में आए कि यह चीज जायसी की कल्पना नहीं है, इसका एक आधार है और देशज साहित्यिक और ऐतिहासिक परंपराओं से इसका एक संबंध बनता है। अब मैं हमारे जो अन्य मित्र हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण शोध परियोजना पर अपनी टिप्पणी दें और अगर कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी उनसे पूछें। यस प्रोफेसर पटेल। यस सर। कैन आई? यस सर प्लीज गो अहेड। हां कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? श्योर। या हां प्रोफेसर हाडा, वेल एट द आउटसेट आई वुड कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंटेशन। देखिए मेरा सवाल मेथोडोलॉजी को लेके है और एक मेरा सुझाव भी है, वो बाद में बताता हूं आपको। तो पहला सवाल जो मेथोडोलॉजी को लेके है वो ये कि जैसे डॉक्टर पटेल ने भी कहा और आपके अपनी प्रेजेंटेशन से कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा था कि आपको इतिहासकारों से काफी शिकायत है। तो है, शिकायत है। और उस दिन भी जब प्रेजेंटेशन हो रही थी यादव साहब की, तब भी आपका एक कुछ ऑब्जर्वेशन आया था उसमें बीच में, तो एक पासिंग सा। तो देखिए आपका काम है एक लिटरेरी वर्क, आपकी विधा थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये लिटरेचर में भी हिस्टोरिकल लिटरेचर होता है, तो आपका जो काम है वो हिस्टोरिकल लिटरेचर पे है और उस नाते आप हिस्ट्री, आपका काम एक मायनों में हिस्टोरिकल हो जाता है। ओके, और आप खुद हिस्ट्री में ये कह भी रहे हैं कि इसको हिस्टोरिकली देखा जाना चाहिए, इसको इसका एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। लेकिन दूसरा आप ये भी कहते हैं या आपकी कुछ ऐसी धारणा सब उभर के आती है कि ये जो हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजीज हैं जिस ढंग से हम खासकर जो वेस्टर्न हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी या मॉडर्न मेथोडोलॉजी उनके माध्यम से इन चीजों को हम नहीं समझ सकते। तो मेरा सर सवाल ये है कि जो एम्पिरिकल मेथड होते हैं मॉडर्न मेथड, वही चीजों को साइंटिफिकली चीजों को जानने के लिए काफी रेलेवेंट, क्योंकि उसमें चीजों को हम क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। तो आप इसको, मेरा सवाल पर्टिकुलरली ये है कि आप इसको हिस्टोरिकल किस हद तक अपने काम को देखना चाहोगे, हिस्ट्री से कोई संबंध बनाना भी चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, और अगर आपकी शिकायतों से कुछ ऐसा लग रहा है कि आप इसको हिस्टोरिकली रिलेट करना चाह रहे हो, तो हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजीज ऑब्वियसली आपके लिए रेलेवेंट होंगी।
और मुझे नहीं लगता जैसे डॉक्टर पटेल ने कहा कि हिस्ट्री में और इतिहास में कोई फर्क बनता है, वो ठीक है जार्गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पटेल साहब। देखिए आपने वेस्टर्न मेथोडोलॉजीज का भी इस्तेमाल किए की भी शिकायत करें ना, उनसे भी शिकायत करें, तो मैं आपको बल्कि इसमें एक सुझाव भी दे रहा हूँ। वेस्टर्न मेथोडोलॉजी जो हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी है पूरा उसका इतिहास है कैसे वो इवॉल्व हुई है, और उसमें वीको का मैं कई बार पहले भी जिक्र करता रहा हूँ, वीको का जो मेथड है वो आपके कंटेक्स्ट में बड़ा रेलेवेंट हो जाता है। जहाँ वो ये कहते हैं कि जो मिथ है, मिथ अपने आप में हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे और जो एटिमोलॉजी है इन चीजों को हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है, वो प्रोवाइडेड लगाते हैं उसमें कि किस तरह ढंग से हम यूज करते हैं। तो मिथ का हम हिस्ट्री में यूज करते रहे और ये वीको का मेथड आपके लिए कुछ हद तक क्या काफी हद तक रेलेवेंट हो सकता है कि इसको हिस्टोरिकली अगर आप रिलेट करना चाह रहे हैं ना अपने काम, या फिर बिल्कुल इसको अगर एक कला के काम के रूप में जैसे साहित्य कला होती है उसी रूप में करना चाहते हैं तो देखिए वो भी आपका प्रेरोगेटिव है क्या करना चाह रहे हैं आप। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में इंटरवीन करना चाह रहे हैं या इसका कुछ हिस्टोरिकल रेलेवेंट देना चाह रहे हैं तो आपको ये मेथोडोलॉजी जो है ना मॉडर्न मेथड इनको अच्छे से सीरियसली आपको इन पर विचार करना पड़ेगा। सर मेरा ये सुझाव है आपके लिए, थैंक यू। नहीं मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं मेरी ये आज़ादी को मिले अब 100 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि अब कम से कम जैसा पटेल साहब कह रहे थे कि यदि इतिहास और हिस्ट्री में कोई विभेद किया जाना चाहिए तो वो अब किया जाना चाहिए। इतिहास की हमारी भी एक परंपरा है, मैं एक इतिहासकार का नाम लूंगा जो बहुत सम्मानित इतिहासकार है और विश्वंभर शरण पाठक, उनकी एक पुस्तक है भारत के प्राचीन इतिहासकार। मुझे लगता है कि हर समाज की अपनी एक इतिहास चेतना होती है। आप ये क्यों मानते हैं कि जिस इतिहास की हम आज बात कर रहे हैं, जिन इतिहास के मानकों की हम आज बात कर रहे हैं वो सारे यूरोपीय प्रबोधन काल में बने। मतलब ये नहीं कि मतलब कहने हमारे अपने लोगों के पास कहने का ढंग नहीं था, उनकी भी अपनी एक सांस्कृतिक भाषा है, वे भी अपनी बात कहती हैं, वे भी अपना इतिहास कहती हैं, अपनी स्मृति का। मैं आपको आप मिथ का शब्द कर रहे हैं, आनंद कुमार स्वामी की एक पुस्तक है हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, बहुत विख्यात किताब है और बहुत अद्भुत किताब है। उन्होंने मिथ लिखकर कोष्टक में आगे लिखा है इतिहास। मुझे लगता है कि यदि हमें अपनी परंपरा को ढंग से देखना है, वापस मैं पुनरुत्थानवादी नहीं हूं, मैं सामंतवाद का समर्थक हूं, लेकिन यदि हमें अपने लोगों को समझना है, उन्होंने जो विश्वंभर शरण पाठक है उन्होंने भूमिका में एक बहुत अच्छी बात कही, विडंबना यह है आप मध्यकालीन अनुभव पाना चाहते हैं, इसके लिए आप मध्यकालीन शरीर में आधुनिक आत्मा का प्रवेश करवाएं, आपके मानक तो आधुनिक इतिहास के हों और आप समझ मध्यकालीन इतिहास को उन नए मानकों से रहें कैसे समझेंगे। मुझे लगता है कि हम उनकी भाषा में मेरा थोड़ा सा देखो इंटरवीन करूंगा मैं बीच में, आप जब ये सवाल हिस्ट्री का नहीं है, ये सवाल असल में मेथोडोलॉजी का लेके मैंने उठाया है। और जब हम मेथोडोलॉजी की बात करते हैं ना, देखिए मेथोडोलॉजी हमेशा ही मॉडर्न होती है, हम मेथोडोलॉजी क्योंकि आप जब काम करते हैं तो वो मॉडर्न जितने भी मेथोडोलॉजिकल टूल्स हैं पूरी दुनिया में जो आए उन सब का हम बेहतर इस्तेमाल करके मध्य पूर्वी एशियाई देशों में तो सबसे अधिक है ये सजगता। मेरा सवाल मेथोडोलॉजी को लेके, इसको जरा समझो, इस मेथोडोलॉजी पर भी आपत्ति की जा रही है। नहीं, सबसे अधिक आपत्ति ही इस मेथोडोलॉजी पर है और ये पूरे मध्य एशियाई देशों में ये सजगता है कि यदि हमें अपने समाज को समझना है तो हम अपने औजारों से और अपने टूलों से बेहतर समझ सकते हैं।
बजाय ये तो एक नैरो सोच हो गई ना कि आप मॉडर्न जितनी भी मेथोडोलॉजी उनको खारिज कर दोगे और फिर आपके पास बचेगा क्या? नहीं सर, हम लोग आप जो कह रहे हैं ना, मैंने जो भिक्षु का सुझाव दिया है, एक काम जो मैं कर रहा हूँ, मैंने नकारा नहीं है, मैं पुरातात्विक साक्ष्यों का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो इतिहास के जो नए मानक आप जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, मैंने उनका भी इस्तेमाल किया है, उनकी भी सूची प्रस्तुत की है। जहां मैंने खुद आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि वीको जो है, नहीं नहीं, मैं स्वागत करता हूं आपके सुझाव का। प्रोफेसर सुब्रमण्यम कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, हाँ सर, गो अहेड। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी प्रस्तुति का। आवाज साफ नहीं हो रही है, आवाज थोड़ी साफ नहीं हो रही है। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं सुनाई दे रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। उन्हीं के हमारे क्लास से सुब्रमण्यम साहब का एक और सवाल है जो लिखित रूप में आया है, आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं फिलहाल। सुब्रमण्यम साहब का एक सवाल है, इज देयर ऑल्सो ए संस्कृत टेक्स्ट ऑन दिस? संस्कृत में इस तरह का कोई टेक्स्ट उपलब्ध नहीं है। नहीं नहीं। और एक डॉक्टर अंजलि दोहान का एक प्रश्न है, यू हैव मेंशन्ड अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ आख्यान इन देसज सोर्सेज, सिमिलर ट्रेडिशन इज प्रेजेंट इन संस्कृत लिटरेचर, इज इस संस्कृत? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आख्यान की परंपरा बहुत प्राचीन है, वैदिक काल से हमारे यहाँ, लेकिन उसका अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय रूप देशज रूपांतरण हुआ है, वो अलग है। जैसे आप जैसे जो वंश रचना ख्यात है, वंश रचनाएं हैं, वो आख्यान का ही रूप है, चरित्र है, ये सारी परंपराएं लगभग वहीं से जुड़ती है, कम से कम। मतलब ये परंपरा जैसे जो समानांतर परंपरा जिन क्षेत्रों में जिन रचनाओं का जिक्र मैं कर रहा हूं, वहां पर अभी तक संस्कृत की परंपराएं भी जारी है, यूं की यूं ही, अभी भी उत्तर मध्य काल में अभी राज रत्नाकर महाकाव्य लिखा गया, राज प्रशस्ति महाकाव्य लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, कानड़ दे प्रबंध लिखा गया, वो संस्कृत रचना है क्षेत्रों में भी। लेकिन ऐसी रचनाएं देश भाषाओं में भी होने लगी बाद में धीरे धीरे, और मैं जिन रचनाओं पर एकाग्र कर रहा हूँ वो संस्कृत रचनाएं नहीं है, वो सारी की सारी रचनाएं देश भाषाओं में। अनफॉर्चुनेटली सुब्बू जी की टिप्पणी हम लोग को सीधे सीधे नहीं मिल पा रही है, यस हाँ, ये रम्या श्रीनिवासन की जो किताब है, मैंने इसके फुटनोट में उनका जिक्र किया है, ये किताब बुनियादी तौर पर जायसी के पद्मावत पर एक आग्रह है, अलबत्ता उन्होंने इनमें से कुछ सोर्सेज का इस्तेमाल किया, लेकिन एक खास बात जो उसमें है वो इसको, मैं ये कह रहा हूँ कि ये परम हमारी भारतीय जो ऐतिहासिक कथा काव्य की परंपरा है उसका देशज विकास है, वही परंपरा आगे बढ़ रही है अलग क्षेत्रों में। रम्या श्रीनिवासन उसको जायसी से जोड़कर देख रही है, वो ये मान के चल रही है कि जायसी की कल्पना थी, जायसी का कथा बीजक ही
चारणों और जैनों तक पहुंचा और ये विस्तृत हुआ जो असंभव लगता है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। 1588 में हेमरतन ने पद्मिनी चौपाई लिखी, ठीक 50 वर्ष पहले जायसी की रचना हुई अवध क्षेत्र में। आप समझिए दोनों के बीच में लगभग 600 मील की दूरी होगी, आवागमन के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे। ये संभव ही नहीं लगता है कि जायसी की पद्मावत, वो भी जिसकी लिपि दूसरी हो, वो राजस्थान में पहुंची हो। राजस्थान के इन इन छोटे छोटे कस्बों और गांवों के कवियों तक पहुंची हो। खास बात यह है कि ये परंपरा पहले से है। हेमरतन 1588 में जो रचना कर रहे हैं उसमें वो उद्धृत कर रहे हैं एक पूर्व रचनाकार को जिसका रचना समय ज्ञात नहीं है। इसका मतलब ये मान के चलिए कम से कम उस रचना को लोकप्रिय होने में 100 वर्ष लगे होंगे और उसके उसके छंद धीरे धीरे लोकप्रिय होकर लोगों तक पहुंचे होंगे। इसका मतलब जायसी से 100 वर्ष पहले भी ये परंपरा हमारे यहाँ जारी थी। हाँ, रम्या श्रीनिवासन ने इनमें से कुछ श्रोतों का उल्लेख किया है, उनकी चर्चा की है, और लेकिन उनका काम जायसी सेंट्रिक काम, जायसी पर एकाग्र पद्मावत पर काम है और वो सारा जो सेंटर है वो अवध क्षेत्र को केंद्र में रखकर करती है। क्योंकि ये पूरी कथम, ये जो कथा परंपरा है वो जायसी से बिल्कुल अलग है। इसके निष्कर्ष ही बहुत रोचक है। कभी अवसर मिले तो मैं एक आध आपको, मैंने इनका हिंदी रूपांतरण किया हुआ है, कभी मैं सुनाऊंगा। जैसे शुरुआत, इसमें से दो रचनाएं ऐसी हैं जो प्रेम से शुरू होती है लेकिन बाकी बहुत एक रोचक कथा समय से शुरू होती है। वो ये है कि रानी और राजा के बीच में भोजन पर विवाद होता है। राजा कहता है कि आज भोजन अच्छा नहीं बना। अब किसी स्त्री को ये बहुत बुरा लगता है कि उसके भोजन की कोई विसराना करे, तो रानी कहती है कि यदि मेरा अच्छा नहीं लगता है तो तुम कोई दूसरी पद्मिनी ले आओ। और राजा, ये नाक और मूंछ की लड़ाई भी है, राजा तत्काल उसी समय संकल्प करता है कि वो पद्मिनी लेने जाए। इसलिए ये रम्या श्रीनिवासन का काम पद्मावत पर एकाग्र काम पूरा का पूरा। हाँ सर, और कोई प्रश्न? हाँ, ये विष्णु मलिक साहब। हाँ, विष्णु मलिक साहब। सर, आपका जो पेपर है मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपका ये पेपर साहित्य और इतिहास से संबंधित है, तो शायद जायसी की जो पद्मावत है उसमें कलिंग काफी वर्णन है और कलिंग से ही रत्नसेन नाव या पोत लेकर सिंहल द्वीप की यात्रा करते हैं और जब आप इतिहास पर ही काम कर रहे हैं तो कलिंग के उस समय के जो सम्राट थे, या क्योंकि 1303 में शायद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करते हैं और उसी समय शायद उस पहले ही 1245 में उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था नरसिंह देव से, उसके उपरांत उनकी रानी चंद्रिका थी। तो आप अगर कलिंग से जुड़ा हुआ जो इतिहास है उस पर भी अगर निश्चित रूप से काम किए होंगे, उस पर भी अगर कुछ नहीं, आप क्षमा कीजिए, सकते हैं तो अच्छा। मेरा काम जायसी पर एकाग्र नहीं है, वो जायसी की चर्चा केवल प्रसंग वश है। जायसी बहुत अद्भुत कोटि के कवि है और पद्मावत बहुत अद्भुत कोटि का, मतलब इतना महान काव्य है कि आपका जायसी इतने बहुज्ञ है, ज्योतिष, भारतीय शास्त्र, वांग्मय, लेकिन ये जो परंपरा है उससे बिल्कुल भिन्न परंपरा का काव्य है, वो मसनवी शैली का काव्य है। और हमारे यहाँ जायसी पर बहुत काम हुए हैं,
बहुत अद्भुत काम हुए। अभी एक रम्या श्रीनिवासन का जिक्र हुआ है, हमारे यहाँ विजयदेव नारायण साई, रामचंद्र शुक्ल है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, जायसी पर अभी एक काम हुआ है, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी एक काम आया है पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक जायसी पर किताब है। और दरअसल वो एक दूसरी किस्म का, दूसरी किस्म की रचना, उसकी पूरी संरचना ही अलग किस्म की रचना है। उसको आप मतलब ये जो काव्य, मैं मेरी सारी धारणा, सारी स्थापना ही है कि इसका जायसी से कोई संबंध नहीं है, जबकि सारे आधुनिक भारतीय इतिहासकार कह रहे हैं कि ये जायसी से प्रेरित और प्रभावित। मैं ये सारी धारणा ही निराधार। ठीक है, धन्यवाद सर। और कुछ प्रश्न होंगे? अंजलि दुहान का भी एक प्रश्न है। अच्छा, और क्या है? 1580 से 1600 All works mentioned by you come after ये प्रोफेसर सुब्रमण्यम का एक प्रश्न है। देखिए, मैं ये जो रचना है, एक बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। मैंने ये कहा कि ये इस्लामी और यूरोपीय दस्तावेजों की तरह ठहरे हुए दस्तावेज नहीं है। जैसे एक रचना जिसका जो विवेच्य रचनाओं में है, पाठनामा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित रचना है। अब आप पूछेंगे कि इसकी रचना कब हुई, तो बहुत मुश्किल काम। आप कहेंगे कि हाँ, अब ये है कि इसका समय हम ये इस आधार पर तय करेंगे कि इसमें जो अंतिम शासक है वो कौन सा है। लेकिन मैंने जिक्र किया कि 1580 हेमरतन की चौबई है, लेकिन उसमें एक अज्ञात कवि कृत घोरा बादल कवित्व उद्धृत किया गया, बार बार उसके छंद उद्धृत किए गए। और ये जो बीकानेर में एक प्राचीन साहित्य के मनीषी हुए अगरचंद नाटा, उनके संग्रह में इसकी पांडुलिपि उपलब्ध है, और अब वो संपादित होकर प्रकाशित भी हुई है। घोरा बादल कवित्व की एक विशेषता है कि ये रचना बार बार परवर्ती सभी बात की सभी रचनाओं में उद्धृत हुई। तो आप कल्पना करिए कि इसकी रचना कब हुई होगी। जैसे पाठनामा, पाठनामा की रचना कब हुई होगी। हमारे यहाँ ये रचनाकार अस्मिता सचेत लोग नहीं थे। समय का उल्लेख ऐसी रचनाओं में जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित, वंश रचनाएं, खासतौर पर रासो रचनाएं, पाठनामा रचनाएं, जैसे पाठनामा में पाठनामा ऐसी अद्भुत रचना है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, मतलब ऐसी रोचक, मतलब और आख्यान जिसे जादुई यथार्थवाद कहते हैं, ये पश्चिम के अनुकरण में हम बहुत सारी चीजें लाते हैं। जैसा जादुई यथार्थवाद पाठनामा में है, वैसा तो कहीं आप किसी पश्चिम की किसी रचना में कल्पना ही नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी इन देशज रचनाओं को ठीक से पढ़ते नहीं, मुश्किल ये है। इसलिए ये कहना कि ये 1680 में ही हुई, नहीं, ये परंपरा बहुत प्राचीन है, बहुत पहले से चली आ रही है। पाठनामा में भी उद्धृत किए गए बहुत सारे छंद ऐसे इस प्रकरण के, जिनके संबंध में नहीं पता कि उनकी रचनाएं कब हुई और किसने की। क्लियर नहीं हो रहा है कि और कोई प्रश्न है क्या? ये एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता ये क्या है? सुनो, जब चाहे। हाँ, ये आप, मैं मान के चल रहा हूं। मैंने ये कहा कि ये साहित्य ठहरा हुआ और दस्तावेजी साहित्य नहीं। हमारे संत कवियों, हमारे भक्त कवियों के संबंध में भी ये सही है, उसमें परिवर्तन होंगे। ये रचनाएं, मैंने इसलिए आरंभ में इन रचनाओं का परिचय देते हुए कहा था कि ये ठहरी हुई रचनाएं नहीं, दस्तावेजी रचनाएं नहीं है।
ये निरंतर गतिशील रचना है। अब ये है कि आप मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप इसमें इतिहास तलाश करें, मैं ये कह रहा हूं इसमें इतिहास भी तलाश करें। ये लक्ष्य ये नहीं है, ये मूलतः साहित्यिक रचनाएं हैं। इनका लक्ष्य जैसे मैं ये रचनाएं जैसे पाठनामा है, आप यजमान के यहाँ गए हैं, आप उसकी रुचि का भी ध्यान रखेंगे, रोचकता का भी ध्यान रखेंगे। बहुत सारी रचनाएं जिसमें आप कहेंगे कि बहुत रोचक निष्कर्ष है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो निष्कर्ष आपने नहीं सुने, पद्मावत में नहीं है, इतिहास में कहीं नहीं है। जैसे किसी भी देशज रचना में जोहर नहीं है, आप आश्चर्य करेंगे, आप मान के चलिए एक जोहर है ही नहीं किसी भी देशज रचना में। ये सारी पारंपरिक रचनाओं में जोड़ नहीं है। जैसे पराजय, कोई भी पराभूत जाति और उसका रचनाकार, उसकी मनीषा बाद में उसका एक रचनात्मक औचित्य ढूंढती है। आप आश्चर्य करेंगे कि इन रचनाओं में कुछ रचनाएं ऐसी जिनमें विजय दिखाई गई रत्न सिंह की, इतिहास कहता है कि नहीं उसकी पराजय। पाठनामा ऐसी रचना है जिसमें दोनों चीजें हैं, क्या गट भाग्यो फौज भागी, मतलब गढ़ टूटा और फौज भग गई, मतलब एक बहुत अद्भुत प्रकार का। ये साहित्यिक रचनाएं हैं, इतिहास लक्ष्य नहीं है और इतिहास पर एकाग्र भी नहीं कर रहा मैं। एक जो ये साहित्यिक सौंदर्य है, एक रचनात्मक जो हमारी इतिहास को रचना में निवेश करने का जो ढंग है, मुख्य एकाग्रता तो उस पर है। और कोई प्रश्न तो नहीं? कुछ लिख रहे हैं, ये क्या है, 11 PD दर्ज हो गया, फिर उन्हें 1300 की घटनाओं का वर्णन न माने, क्या कह रहे हैं, ये बदलावों को समझना जरूरत है, 1300 की घटनाओं का वर्णन न माने। प्रोफेसर सुब्रमण्यम जो पूछ रहे हैं, दरअसल 1304 में ये घटना हुई और ₹1540 में उस पर लिखा गया पहला, यदि माने आप तो। लेकिन लोग की ये कथा बीजक की हमारे यहाँ परंपरा है, ये केवल रत्नसेन कथा बीजक की परंपरा संस्कृत में बहुत शूद्रक भोज विक्रमादित्य, जैन ट्रेडिशन में कथा बीजक नर्मदा सुंदरी कई उस पर लिखे गए। कथा बीजक का मतलब यह है कि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोई घटना धीरे एक संक्षिप्त रूप ले लेती है और बाद में बाद में रचनाकार स्वतंत्र होते हैं इस संबंध में। बैटरी लो, उसको पल्लवित करने में, उसको विस्तृत करने में, उसको उसका उसका रचनात्मक रूपांतरण करने के लिए स्वतंत्र, और वही हमारे लोगों ने किया अधिकांश। लेकिन आप यदि ये माने प्रभु सुब्रमण्यम कह रहे हैं, विडंबना यह है कि किसी भी समकालीन श्रोत में अलाउद्दीन खिलजी का किसी स्त्री के लिए अभियान सिद्ध नहीं है, कोई उल्लेख नहीं करता। तीनों ही जो समकालीन लेखक है अमीर खुसरो सहित, वो नहीं करते। अलबत्ता प्रोफेसर हबीब जिन्होंने खजाइन उल फतू का अनुवाद किया है, वे मानते हैं कि उसमें पद्मिनी का उल्लेख है हुदहुद के रूप में। जब अगले प्रेजेंटेशन में बात करेंगे तब मैं विस्तार से उसके संबंध में बताऊंगा, लेकिन तीनों उल्लेख नहीं करते। तीन अभियान हमारे आख्यानों में, तीनों आख्यानों में, जैसे
छिताई चरित्र में, देवगिरी अभियान में छिताई के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया, रणथंबोर अभियान में देवल देवी के लिए अभियान किया, गुजरात में कमला देवी के लिए अभियान किया, हमारी लोक स्मृति में, हमारे लोक आख्यानों में तीनों स्त्रियों के लिए अभियान है। विडंबना यह है कि समकालीन श्रोतों में अमीर खुसरो तो ये उल्लेख भी नहीं करता कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके सत्तारूढ़ हुआ, तो क्या आप ये भी मान लेंगे कि उसने हत्या नहीं की? ये तो इतिहास सिद्ध है। इसलिए ये जो दशरथ शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि आप चुप्पी, किसी ने नहीं लिखा इसका मतलब ये नहीं। और खजाइन उल फतू के बारे में आधुनिक इतिहासकारों की क्या राय है उसके बारे में प्रोफेसर हबीब जिन्होंने उसका अनुवाद किया उनका कहना यह है कि ये प्रशस्ति प्रदान अलंकरण प्रदान काव्य, इसका अनुवाद ही बहुत मुश्किल था। इसके तीन चार तरह के अनुवाद मौजूद हैं, जो सबसे अच्छा अनुवाद जिसको प्रामाणिक अनुवाद माना जाता है वो प्रोफेसर हबीब का है और जो बहुत पहले छपा था। इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है। एक और रोचक बात अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में, अकबर बहुत महान शासक थे, औरंगजेब बहुत क्रूर शासक थे, लेकिन लोक में सबसे अधिक वृत्तांत, सबसे अधिक आख्यान, सबसे अधिक उखाणे, सबसे अधिक कहावतें, सबसे अधिक मुहावरे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कभी कभी इस बात पर हम विचार ही नहीं करते, हमारी लोक स्मृति में सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी। मुझे लगता है कि प्रोफेसर हाड़ा ने एक बहुत न सिर्फ बढ़िया एक शोध परियोजना को हमारे सामने रखा, बल्कि प्रश्नोत्तरी में जिस तरह से उन्होंने अपने अपनी शोध परियोजना को स्पष्ट किया, उससे हम लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया काम यहाँ हो रहा है और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग काम है, बहुत अच्छा काम है। मैं प्रोफेसर चहल की उस मेथोडोलॉजी के बारे में उठाए गए सवाल को डिसमिस नहीं करना चाहता, क्योंकि और इतिहास और हिस्ट्री की जो बात मैंने की थी उसका उद्देश्य इस बात पर ही जोर देना है कि एक परंपरा जिसको हम इतिहास परंपरा कहते हैं सामान्य अर्थों में, उसकी जड़ें कहाँ कहाँ हैं, उसमें कहाँ कहाँ से चीजें आ रही हैं, उसमें चीजों को देखने का एक खास नजरिया है। उसका उपयोग विद्वानों ने किया भी है, काफी कि आपने कई संकेत भी दिए हैं, मैंने भी किया है, बिल्कुल आपने भी किया है, तो वो इतिहास परंपरा है और हिस्ट्री एक मेथडोलॉजी। मैं ये भारत और इंडिया के बीच जैसा डिफरेंस कुछ बनाने की कोशिश की जाती है बातचीत के लिए। हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में कुछ इसके मेथोडोलॉजिकल सवाल रह जाते हैं और उसमें डेट, ऑथेंटिसिटी, इन सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं। टेक्सुअल एनालिसिस में भी जो 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 कॉन्टेक्स्ट होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वो सवाल आता है। लेकिन जिस प्रविधि से, जिस पद्धति से आप इस विषय को उठाना चाहते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपने हमारे सामने रखे हैं। और आपने कुमार स्वामी का जिक्र करते हुए जब मिथ और कोष्ठक में इतिहास कहा, तो आप निश्चित रूप से एक जो जातीय स्मृति का प्रश्न है, लोक स्मृति का जो प्रश्न है और उसकी जो संभावनाएं हैं, वो टेक्स्ट तक भी जाती हैं और लोक स्मृति तक जाती हैं। तो उन सारे संबंधों की पड़ताल लगातार हमको करते रहनी है और हम लोगों को देखना चाहिए कि हम अतीत के बारे में और बेहतर तरीके से और भिन्न तरीके से और क्रिएटिव तरीके से कैसे डायलॉग कर सकते हैं। और इस तरह के प्रोजेक्ट से हम लोगों को लगता है कि हम लोग नई जानकारियां हासिल कर रहे हैं, नए पर्सपेक्टिव्स पा रहे हैं और इससे इतिहास भी समृद्ध हो रहा है। और मेरी धारणा है कि हिस्ट्री के लिए भी नए नए सवाल सामने रखे जा रहे हैं। प्रोफेसर हाड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको भी धन्यवाद जिन्होंने ये प्रश्न उठाए, और वो बहुत ही सुंदर प्रश्न थे। और अगर इसके अलावा भी कुछ सवाल मित्रों के मन में हो
तो वो उनको सीधे सीधे मेल करें और उसके जो उत्तर हो हारा साहब हम सभी लोगों से साझा करें, ताकि हम लोग इतिहास और हिस्ट्री, लोक स्मृति, इन इस संबंध में इस बहुत बड़े प्रश्न पर कुछ और नई दृष्टि, अंतर्दृष्टि पा सके। प्रोफेसर हारा को बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो सुझाव और संशोधन आपने सुझाए हैं, खासतौर पर प्रोफेसर चहल ने, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको अपने इसमें सम्मिलित करने का। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए।